सुल्तानहुट यहाँ का नाम है। थंबनेल और टाइटल से तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं बेलूर मठ। तो बेलूर मठ जाने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप हावड़ा से भी जा सकते हैं, हावड़ा से आप ट्रेन से जा सकते हैं, हावड़ा से बस भी अवेलेबल रहता है, लेकिन हम जो जा रहे हैं मेट्रो से जा रहे हैं। जैसे कि 100 बजे मेट्रो से ये इसमें बैठे हैं और हम लोग उतर जाएंगे दक्षिणेश्वर मेट्रो में, वहाँ से फेरी घाट से हम लोग जाने वाले हैं बेलूर मठ। तो चलिए दक्षिणेश्वर में उतरते हैं, उसके बाद चलते हैं फेरी घाट की तरफ। सकते हैं बाहर का व्यू है मेट्रो का, सामने में रास्ता है, यूपीन में ये मेट्रो चल रहा है। स्टेशन में पहुँच चुके हैं, नहीं उतरेंगे, यही करेंगे फिर वापस जाएंगे। तो फाइनली उतर चुके हैं दक्षिणेश्वर मेट्रो, और यहाँ ये देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन था, इस साइड रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से हम लोग को वॉकिंग करके जाना है। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दक्षिणेश्वर रानी तस्मोनी स्काई वॉक। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड दुकान है, खरीदने के सारे सामान है, यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो मटेरियल होता है वो किस तरह से ऊपर ले जाया जाता है, ये देख सकते हैं इसमें मटेरियल भर दिया गया है और ये ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये था स्काई वॉक और ये रहा इस साइड मंदिर, और फेरी घाट का रास्ता ये वाला। तो देख सकते हैं फाइनली पहुंच चुके हैं ये फेरी घाट। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो 11 रुपया करके यहाँ पे टिकट लगेगा और इस साइड जाना हो। चलिए चलिए टिकट लेते हैं पहले। फाइनली टिकट ले चुके हैं, ये 2 टिकट है, ये एंट्री कर चुके हैं। काफी गजब का व्यू है, लेकिन यहाँ का ऊपर में ब्रिज है। ये 2 ठो क्यों है, ये दूसरा जगह का वाला है क्या, उस साइड सिर्फ फोटो शूट के लिए मेरे कास्ट से। फेरी मतलब हर आधे घंटा में खुलता है, यानी कि अभी अगर मिस हो जाएगा फिर आधे घंटा बाद शायद फेरी फिर से मिलेगा। काफी दूर है, लेकिन देख सकते हैं वहाँ पे है टिकट चेकिंग करने का, और ये जो है स्टीमर काफी है, दूर में है। क्या वो मेरा वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सब दिख रहा है। तो स्टीमर खुलने का टाइम हो गया है, चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो हम लोग रह जाएंगे इधर ही। आने में काफी ज्यादा लेट कर दिया, तो देखो सारा सीट फुल हो चुका है, हम लोगों को खड़ा होकर के ही जाना पड़ेगा। एग्जिट देख सकते हैं, ये फेरी घाट था, इधर से एंट्री है टू बेलूर मठ। तो ये एंट्री था, अंदर की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री करते ही सामने हमको ये 3 पेड़ देखने को मिला। चलिए इस पेड़ के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। ये पेड़ तब से है जब स्वामी विवेकानंद लैंड को परचेज किए थे, ईयर था 1898, तब से ये पेड़ है। तो ये सारी यादें जो है स्वामी विवेकानंद के अभी तक यहाँ पे मौजूद है। बाकी देख सकते हैं भी फैमिली लोग, काफी फ्रेंड्स लोग, काफी कपल्स लोग, सभी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ये माँ शारदा का मंदिर है, और उनका यहाँ पे देख सकते हैं ईयर भी दिया हुआ है, ये 1853 से लेके 1920 तक थी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ये एरिया की पूरा बात करें तो ये काफी बड़ा एरिया होने वाला है। आपको अगर टोटल लैंड की अगर एरिया की बात करें तो 40 एकड़ का पूरा एरिया होने वाला है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर भी दिया गया है, यहाँ पे पानी पी सकते हैं प्यास लगने पर। चलिए और आगे सब मंदिर की तरफ चलते हैं। फ्लावर भी काफी सारा लगाया गया है, और ये बैठने की जगह है, यहाँ पे आप आराम से घास में बैठ सकते हैं, जो कि काफी अच्छा वाइब दे देगा आपको। ये मेरे पीछे ये मंदिर है, यही मेन मंदिर होने वाला है। फ्लावर लगाया जाएगा वो जो देखने में काफी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये मंदिर के बगल में, ये देख सकते हैं मेन मंदिर है इसी के बगल में है, तो इसको काफी अच्छे से सजाया जाएगा। तभी काम चल रहा है, जब अच्छे से काम कंप्लीट हो जाएगा तो देखने में काफी अच्छा लगेगा। ये देखिए चेक कर रहा है टेक्सचर की, क्या चीज से बनाया गया है, ये मंदिर की ड्यूरेबिलिटी क्या होने वाला है, सारी चीजें ये चेक कर रहा है। ये लग रहा है सिविल इंजीनियर है,
सिविल इंजीनियर सालों साल तक चलेगा, दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, इन्होंने पास कर दिया, मतलब पास हो गया। यहाँ पे इसका फ्लावर भी देखने को मिल गया हम लोग को। अंदर जाना है तो आपको शूज खोल के जाना पड़ेगा, यहाँ बाहर में भी खोल सकते हैं, या फिर शू काउंटर भी है, शू काउंटर में आप रख सकते हैं शू, और टोकन देगा, वो टोकन आपको रखना है, वापस जब शू लेंगे तो वो टोकन आपको वापस दे देना है। यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, 179th शायद जन्मदिन है, हमको सही से याद नहीं है, रामा कृष्णा जी का शायद बर्थडे है, वो आपको हम स्क्रीन पे दे देंगे, वो देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन। बाकी यहाँ पे अगर सेलिब्रेशन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है, काली पूजा, सरस्वती पूजा, ये सारे त्योहारों को यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है बेलूर मठ के अंदर। बाकी इस साइड देख सकते हैं, इस साइड का जो व्यू है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए है क्योंकि सामने में देख सकते हैं गंगा घाट, तो गंगा घाट का जो व्यू है वो भी काफ़ी गजब का व्यू है, और अभी थोड़ी देर में ही सनसेट होने वाला है, उसके बाद जो व्यू आएगा उसका क्या ही कहना। ये जो मंदिर होने वाला है, ये स्वामी ब्रह्मानंदा टेम्पल होने वाला है, इनका जन्म हुआ था 1863, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के थे। ये रामकृष्ण मिशन के यहाँ पे जो गार्ड थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे कोई यूट्यूबर लोग आते हैं, वो लोग भूल भाल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसा कि वो एक इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि यहाँ पे जो पेड़ दिख रहा है ना, बोलते थे कि इस पेड़ का पत्ता से स्वामी विवेकानंद जी फुचका खाते थे, गुपचुप खाते थे। तो यहाँ पे भोग का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे भोग भी खिलाया जाता है, तो उनका भोग का जो टाइमिंग होता है वो 10:30 बजे तक कूपन मिलता है, और चलिए आपको दिखाते हैं कि कूपन कहाँ से मिलता है। बाकी सामने यहाँ पे देख सकते हैं एक बोर्ड दिख रहा है आपको, बोर्ड में यहाँ पे लिखा है कि स्वामी विवेकानंद का मैंगो ट्री भी इसी का अंदर है। चलिए आपको दिखाते हैं मैंगो ट्री और कहाँ पे भोग मिलता है, भोग का कूपन कहाँ पे मिलता है, भोग का प्राइस क्या होगा कूपन का, वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो देखिए इसके अंदर चले जाना है, तो इसके अंदर देख सकते हैं सामने स्ट्रेट में, इसका स्ट्रेट में देख सकते हैं वहाँ पे एक काउंटर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप आके कूपन ले सकते हैं, और कूपन का प्राइस की अगर बात करें तो कूपन का कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता है, आपका मर्जी, आप जितना दे सकते हैं, 30, 40, 50, 100, 200, आपके मर्जी जितना दे सकते हैं। बाकी ये सामने देख सकते हैं ये मैंगो ट्री है स्वामी विवेकानंद जी का, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी बैठा करते थे। अभी जो आपको मैंगो ट्री दिखाए वो मैंगो ट्री जब स्वामी विवेकानंद यहाँ पे जो लैंड ये परचेज किए उस समय ये मैंगो ट्री यहाँ पे अवेलेबल था, उस समय से ये मैंगो ट्री यहाँ पे, और ईयर 1998 था। और ये देख सकते हो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इसी का अंदर जाके आपको प्रसाद मिलेगा। तो प्रसाद का टाइमिंग तो आपको बता ही दिए, प्रसाद का टाइम 11:30 बजे यहाँ पे खिलाया जाता है, लेकिन कूपन 10:30 बजे से पहले लेना पड़ेगा आपको। बाकी ये देख सकते हैं व्यू है, तो गंगा का व्यू है इस साइड, और इस साइड भी देख सकते हैं काफी सारा फ्लावर रखा गया, और इसको वेल काफी मेंटेन काफी अच्छा किया जाता है, काफी अच्छे से इसको पानी वानी दिया जाता है ताकि ये फुला रहे अच्छे से। बाकी यहाँ पे हम लोग को एक चीज दिख गया, यहाँ पे टमाटर दिख गया हम लोग को, जो कि ग्रीन ग्रीन टमाटर है, देख सकते हैं ये लाल होगा फिर चटनी बन जाएगा इसका। हाँ, लाल तो होगा, उसके बाद शायद यहाँ भोग बनाया जाता है उसमें दिया जाएगा। ये उससे भी बड़ा फ्लावर, ये क्या नाम है, नाम तो प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। हमने ये गंगा घाट है यहाँ पे भी, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नहाने की भी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे नहाने का कपड़ा चेंजिंग करने का रूम नहीं है, बट चाहे तो यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे काफी फॉरेनर लोग भी यहाँ पे आया हुआ है घूमने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे शू काउंटर है, ये जो एंट्री है, जैसे ही आप एंटर करेंगे इसके अंदर वैसे यहाँ पे शू काउंटर है, क्योंकि अगर मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो शू आपको खोल के जाना पड़ेगा, नहीं ये मेन गेट वहाँ पे है। तो ये देख सकते हैं रामकृष्ण म्यूजियम है, व्हीकल एंट्री अलाउड नहीं है। बाकी टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल टू सितंबर 6:30 से 11:30 बजे तक है, और फिर 4:00 से 9:00 बजे रात तक है, और अक्टूबर टू मार्च 6:30 से 11:30 और 3:30 से 8:30, यानी कि अभी का जो टाइम है 3:30 से 8:30 बजे का टाइम ही है। बेलूर मठ के बाहर आ चुके हैं, देख सकते हैं जैसे कि ये मेन गेट था, इस साइड फेरी घाट है आगे की तरफ, और फाइनली बाहर निकल चुके हैं। अभी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 8:30 बजे मंदिर पूरा बंद होने वाला है, तो फिलहाल हम निकल चुके हैं बाहर। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।